नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। कानपुर बिल्हौर के माखनपुरवा गांव के समीप ककवन रोड पर भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना को देखकर मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना पर बिल्हौर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं घटना को देखकर सभी का दिल दहल गया। सिकंदरा से रसूलाबाद के रास्ते बिल्हौर से सीतापुर की ओर जा रही कार ने बिल्हौर के ककवन रोड माखनपुरवा गांव के निकट सड़क के किनारे बैठे 2 किसानों और एक साइकिल चालक को रौंद दिया, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनियंत्रित कार सड़क के किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। कार के अगले दोनों एयरबैग खुल गए, जिससे कार चालक अजीत कुमार पांडे की जान बच गई। उक्त कार चालक को SP बिल्हौर इंद्र प्रकाश सिंह ने पुलिस हिरासत में लिया है। मरने वालों में 2 लोग अपने खेत के किनारे सड़क पर बैठे ग्राम कमसान प्रधान जय सिंह के बड़े भाई सुरेंद्र सिंह 60 वर्ष, पुत्र जगदीश सिंह अहिबीरन, पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम माखनपुरवा और साइकिल चालक घसीटे पुत्र दुल्ला निवासी ग्राम टीकापुरवा बिल्हौर कानपुर नगर के हैं। मृतक घसीटे बिल्हौर से आलू की बोरी लेकर अपने गांव टीकापुरवा जा रहे थे, तभी उनके साथ यह हादसा हो गया। 3 मृतक पेशे से किसान थे। घटना को देखकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया एवं सैकड़ों की लोगों की संख्या तादाद भीड़ लग गई। पुलिस द्वारा 3 शवों को बिल्हौर CSC अस्पताल भेजा गया, जहाँ से पोस्टमार्टम के लिए हैलट मोर्चरी अस्पताल भेज दिया गया है। सड़क के किनारे ये माखनपुर गांव के 2 रेती थे, सुरेंद्र सिंह और उनके साथ 2 और लोग थे, जो सड़क के किनारे बैठ के खेतों की रखवाली कर रहे थे। एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार से गाड़ी आके उन 3 को कुचल दी है, जिसके कारण दुर्घटना में उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। बॉडी को CSC भेजा गया है, उनके परिजन आ गए हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। क्या सर, ये कार चालक के आने से ये चीज परीक्षण के बाद ही हम कहने की स्थिति में होंगे। अभी ड्राइवर को गिरफ्तार करके भेजा गया है, हम उसका परीक्षण करेंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।